अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना ऑपोजिट पुलिस लाइन NH1 GT रोड पानीपत और कॉल करें 8950-69-0021। शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूँ आपके साथ सोनम। हरियाणा के पानीपत की बेटी अनुज नेहरा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया है और साथ ही पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। बेटी की इस कामयाबी से घर में खुशी का माहौल है। पानीपत के सेक्टर 18 में रहने वाले अनुज के पिता सेना से रिटायर है, माँ गृहिणी है, बड़े भाई डॉक्टर हैं। इस परीक्षा में अनुज पहली बार बैठी और सबसे बड़ी सफलता हासिल की। इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 4 बार प्रयास कर चुकी थी लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि अनुज अब भी UPSC की परीक्षा देना चाहती है। दसवीं और बारहवीं में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले अनुज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉन मेडिकल में BSc की है। इसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने की ठानी। विज्ञान संकाय में पढ़ी अनुज नेहरा ने 2 साल तक दिल्ली में ही कोचिंग लेकर कला विषय में मेहनत करनी शुरू कर दी। परीक्षा में सफल नहीं हुई, इसके बाद वो पानीपत में आ गई पर प्रयास करने नहीं छोड़े। UPSC की परीक्षा का फॉर्म भरा और इसमें शानदार कामयाबी हासिल की है। अनुज नेहरा ने बताया कि उसे उम्मीद थी कि वह UPSC परीक्षा में सफल हो जाएंगी लेकिन टॉप करेंगी ये नहीं पता था। अनुज ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर का पद मिलेगा फिर भी एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहती हैं। IAS बनने का सपना है, उम्मीद है उसमें भी वो सफल होंगी। मुझे लगता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है लाइफ में। अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कर रहे हो उससे आपको ज़रूर ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा अपनी मेहनत के साथ साथ भगवान पे विश्वास रखो कि वो गलत नहीं करते और कंसिस्टेंटली मेहनत करो, बार बार रिवाइज़ करो जो आपने पढ़ा है, उसको सोने से पहले दोबारा से दिमाग में रिवाइज़ करो कि आपने क्या किया है और ईमानदारी से पेपर करो तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। हाँ, मैंने एक्चुअली UPSC के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था तो वो तो करना ही है, अभी उसमें मेरे अटेम्प्ट हैं कुछ तो उसको मैं दूंगी अच्छे से। अदरवाइज़ स्टेट PCS में हरियाणा के लिए अब जब आएगा तब हरियाणा का देखते हैं, वरना UPSC तो मैं भी दूंगी इसके अलावा। और सर, मुझे मेरे घर में ही बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, जिसमें मेरे भैया हैं, मेरी मम्मी हैं। मैंने अपने भाई को बहुत ऑनेस्टली और बहुत बहुत अच्छे से काम करते देखा है, वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से करते हैं जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो फिर ऐसे घर में ही माहौल रहता था कि थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, अपने पे विश्वास, और मुझे सबसे बड़ी बात कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। जो मुझे करना था, जितना टाइम लग रहा है उस चीज़ में, कभी वो मेरे लिए बैरियर नहीं बना। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट किया जाता था, एक बार फेलियर और आया दोबारा रीमोटिवेट किया जाता था कि आगे करो, फिर दोबारा मैं मेहनत करने के लिए मेरे को मेरे भैया बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे, तो जिससे मुझे अपने घर में कभी फील नहीं हुआ कि मुझे छोड़ देना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरे लिए सोच रहे। वहीं बेटी की सफलता पर पिता यशवीर, माँ उषा रानी और भाई विकास का कहना है कि उन्हें आज बेहद खुशी है कि उनकी बेटी और बहन ने उनका नाम रोशन कर दिया है। पिता यशवीर ने कहा कि वो अपनी बेटी से कहेंगे कि जो भी ड्यूटी मिले उसे वो ईमानदारी से निभाएं। बहुत खुशी, दिल में शांति, बहुत खुशी। मतलब कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उम्मीदें थी, क्या सपना? हमारी अगर पेपर जब नज़दीक आते थे, 1 महीना रह गया जब तक, मतलब 16 घंटे पढ़ाई करती। अच्छा। 16 और वैसे 9-10 घंटे तो नॉर्मल पढ़ती थी, मतलब इंटरेस्ट था पढ़ने का।
इस कमरे के अंदर या किसी को मतलब दूसरे बंदे को नहीं जाने दिया करते अकेले करते। क्या सपना था इसका, ये बनना क्या क्या मतलब ये एग्जाम देना इसका सपना था या क्या बनना चाहती थी ये सपना था? जी देखो यूपीएससी का पिछली बार मतलब ये 1.5 नंबर से रह गई थी, इसका तो मतलब सपना था मतलब आईपीएस यूपीसी में डीसी अगर अब अगर बनने का, लेकिन फिर ये बोली पापा मैं एक चांस इधर का देखूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा मेरा दिमाग हल्का हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगी। आप आर्मी से रिटायर हुए हैं, देश की आपने सेवा, बेटी को मौका मिल रहा देश की सेवा करने को, इसको पेपर दिया था लेकिन या गई नहीं, वो भी क्लियर हो गया था इसका पेपर। तो ये जो मतलब सीडीओ बोलते हैं ना आर्मी में ये मतलब लगते हैं, उसके लिए भी गई थी लेकिन उधर फिर इसकी मान इनकार कर दिया ना, कि लड़कियों के लिए अच्छा नहीं दूर करती। चलिए अब और दूसरी तरह से लोगों के साथ न्याय करेगी और देश की सेवा भी करेगी, तो आप क्या आप मतलब अपनी बेटी को? बहुत गरूर है जी, बहुत बहुत खुशी है। अब हम इसको यही बताएंगे ईमानदारी से काम करो, कोई भी ड्यूटी में लो ईमानदारी और वफादारी से काम। बस जी क्या कहना, खुशी है हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो और इससे अच्छी खुशी तो क्या होगी। क्या कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उम्मीद थी इसकी? उम्मीद तो अच्छी ही थी जी। अच्छा, उम्मीद तो यही थी कि बहुत अच्छा रैंक आएगी। तो फिर अब पढ़ाई तो करती ही रहती थी, पढ़ती तो थी, बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो सपना था ये एग्ज़ाम दे? हाँ जी, यूपीएससी की करी थी तैयारी, तो फिर 2 साल से नहीं दे रही थी, और 2018 में इसका यूपीपीसीएस का दिया, तो उसके बाद यूपीएससी नहीं दिया। लाइफ चेंज होगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? बस वो तो टाइम बता नहीं, ये तो उसका बड़प्पन है, छोटी बहन है मेरे से, इसलिए वो बोलती है मेरे बारे में, लेकिन सब उसकी मेहनत है, हम बहुत खुश हैं उसके लिए बस, और ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। उम्मीद थी कि ऐसा रैंक मिलेगा आप प्रतिभा को, उम्मीद थी क्या? उम्मीद ये थी कि मेहनत बहुत सारी कर रखी है, तो इस पर प्रकार की उम्मीद थी कि हाँ रैंक आ जाएगा कुछ अच्छा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा नहीं लगा था, ये था कि हाँ टॉप 10 टॉप 50 में शायद आ जाए या टॉप 100 में आ जाए, फर्स्ट आ जाए। यूपीएससी की भी तैयारी करने की सोच रही है, अगला एग्ज़ाम देने की सोच रही है? हाँ अब सोच रही हूँ, अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर भगवान ने चाहा और दोबारा से मेहनत हो पाती है इतनी, तो वहाँ पे भी हो जाएगा सिलेक्शन। यूपी में सिलेक्ट होने के बाद अब खुश हैं हरियाणा में, अगर वो हरियाणा की भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं? अब तो अभी के लिए नहीं सोच रहे इतना ज़्यादा, अभी तो यूपी के लिए बहुत खुश हैं। तो पानीपत जिले की बेटी ने यूपीपीएससी में पहला स्थान हासिल कर अपने परिवार के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन कर दिखाया है, लेकिन फिर भी वो एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहती है, क्योंकि उसका सपना आईएएस बनना है और उन्हें पूरी उम्मीद भी है कि वो इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। Yes, yes.